सुपर ह्यूमन की तरफ से 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं सुपर ह्यूमन की टीम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं दी और अपनी टीम के साथ भारत माता की जय जयकार की। पेश है मुंबई की यह खास रिपोर्ट। हैट्स ऑफ टू यू सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन यू आर, यही मेरा मैसेज है। जी, देखिए पूरी दुनिया में मेरा ये मानना है कि हर इंसान एक सुपर ह्यूमन है और ये बात प्रूव की है, जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, स्ट्रॉन्ग मैन है जिसने अपने जॉ से प्लेन खींच दिया है, या माइक टाइसन है जिनकी फिस्ट में 80 किलो का वजन है, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि हम सब सुपर ह्यूमन बहुत पावरफुल हैं। अगर मैं भी प्रैक्टिस करूँ तो 80 किलो ना ऐसे ही हो सकता है 40 किलो की बना सकूँ अपनी फिस्ट को। तो इसी तरह से हम सब एक्चुअली में बहुत पावरफुल हैं, तो अगर हम अपनी मेंटली पावर को पूरा यूज़ करते हैं तो श्योरली हम सब एक हैं और हम सब का मेकर जो है एक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये मैं बात हर किसी को बताना चाहता हूँ। और क्योंकि हर ह्यूमन जो है आज अगर हिंदुस्तान के अंदर देखें तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स लाइफ नहीं जी रहे हैं, चाहे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस में हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, लेकिन उसके बावजूद हम उतने रिलैक्स नहीं हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि हम अपनी नेगेटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। हम अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करें और हर सामने वाले इंसान को, चाहे वो हमारा स्पाउस हो, चाहे हमारी सिस्टर हो, चाहे हमारा फ्रेंड हो, अगर हम ये बात बोल सकें जो हमारा मैसेज है सुपर ह्यूमन यू आर, तो डेफिनेटली सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरों की गलतियाँ निकाल रहे हैं कि उनकी वजह से हम परेशान हैं। ये ब्लेम गेम ये जो चल रहा है ये बहुत ही घातक है। ये तरीके इस्तेमाल करती है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो लोग बैठे हुए हैं, ये तरीके इस्तेमाल करते हैं, पहले आपस में लड़ाते हैं और उसके बाद फिर देश का विभाजन कर देते हैं। तो यही उन लोगों की कोशिश ही चलती है और फिर बाद में हमारे बच्चे हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, विभाजन हो गया था, आपस में लड़ मरे थे, उसके बाद ये नुकसान हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ, आज देश की आज़ादी का दिन है, 70 साल हो चुके हैं इस आज़ादी को, लेकिन हम मेंटली उतने आज़ाद नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हम अगर ह्यूमंस को देख रहे हैं तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये ड्राइवर है तो इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, या ये कोई अगर आदमी ठेले बेच रहा है तो वैल्यूबल है ही नहीं। अगर बनाया गया है सुप्रीम पावर ने हमें ह्यूमंस को इसलिए नहीं बताया बनाया है कि हम एक दूसरे की कमियाँ निकालें, गॉसिपिंग करें, जुओं में या शराबों में या बकवास बातों में हम अपना टाइम वेस्ट करें। हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, सुप्रीम पावर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंसान हैं हम, हमें सब कुछ दे दिया गया है। हम चांद पे भी पहुंच गए हैं, बहुत मामूली बात नहीं है कि हम चांद पे चले गए हैं, हम पानी के अंदर भी जा चुके हैं। तो अगर जो जो ह्यूमंस ने काम कर दिया है तो उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ना कि हम इंस्पिरेशन उनसे लें जो खड्डे में गिर रहे हैं, उनसे तो हम इंस्पिरेशन नहीं ले सकते। डेफिनेटली जो अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बना रहे हैं हम उनसे इंस्पिरेशन ले करके ऊँचाइयों को छू सकते हैं और जो चाहें हम वो हमारे साथ हो सकता है। एक कैंसर पेशेंट है कुसुम जैन जी, वो एक्चुअली में कैंसर उन्हें हुआ था तो मैंने उनका माइंड हील किया था, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, अगर कि मतलब उन्होंने धीरे 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 उसको रिकवर कर लिया और अभी वो कैंसर से बिल्कुल अलग हो चुकी है, अब उनके पास कैंसर नहीं है, उन्हें कैंसर नहीं है। तो अगर आपने सीक्रेट बुक पढ़ी होगी या सीक्रेट फिल्म देखी होगी तो सीक्रेट बुक का भी यही मैसेज है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो हम नो बार सेक्स, नो बार, कोई भी किसी भी लेवल का इंसान है, यहाँ सब इक्वल है क्योंकि सब ह्यूमन है। और सब रिलीजन से सबसे बड़ा रिलीजन ये है, वो इंसानियत का रिलीजन है, तो इसी रिलीजन पर हम वर्क करते हैं। और इंसान अगर आप हैं तो इंसानियत सुपर ह्यूमंस को हमारी तरफ से 15 अगस्त की मुबारकबाद हो। और मैं बहुत थैंक्स बोलूँगा अपने मिस्टर जहांगीर खान को जिन्होंने मुझे अपने इसमें इन्वॉल्व किया सुपर ह्यूमन में, और मुझे बहुत खुशी है जो जो ये लोग काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से ये काम कर रहे हैं वो शायद ही कोई करता होगा, और लोग इतने ज़्यादा जुड़े जा रहे हैं। मैंने सुना है कि इनका कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि जो भी वर्क करना हो अपने ऊपर करो पहले, उसके बाद सामने वाले को देखो, दैट्स वेरी गुड। और मैं चाहूँगा कि विल्सन ने कहा है कि यहाँ पे लोग 100% अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं,
और जहांगीर खान ने ये दिखा दिया है कि लोग अपने आप को ज़्यादा दिमाग अपना खुद का यूज करना चाहिए, ना ही दूसरों का। तो जैसे कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद एक साल के बाद ही आप देखेगा ऐसा कमाल क्या होता है। वैसे ही हर जगह छा चुके हैं हम लोग, और जिस रफ्तार से चल ही रहा है आप देख ही रहे हैं, हर सेकंड डे आप एक नया कॉन्सर्ट, एक नया इंटरव्यू देखोगे सुपर ह्यूमन का। और आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैं तो हर वक्त इंटरव्यू देता हूँ, तो जहाँ भी काम होता है हम लोग जाते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं लोगों की, और दैट्स इट। सुपर वुमन के लिए हमने काफ़ी लोगों के लिए हमने पैसा नहीं देखा है, सिर्फ काम देखा है। जहाँ जहाँ लोग जैसे जैसे मदद की हेल्प की जरूरत पड़ी है वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। पहले एक बहुत बड़ी मतलब जब मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ, मुझे तो पहले पता नहीं था सुपर वुमन के बारे में, तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ जहांगीर साहब, हम लोग शूटिंग कर रहे थे राजस्थान के अंदर 1.5 साल पहले। तो जब ऐसा कुछ मतलब मैं तो नॉर्मल ह्यूमन बींग ही था, ऐसा कुछ सुपर ह्यूमन बींग जैसा मसला था नहीं। पर एक दिन मतलब जहांगीर साहब जो उसने जो मैंने फिल्म की थी उसमें लीड कर रहे थे, तो एक दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और ये मैं आपको बता दूँ अप्रैल मई के महीने में शूटिंग कर रहे थे। तो अप्रैल मई के महीने में कैसी गर्मी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो राजस्थान के अंदर। तो मैं काफ़ी शूटिंग में व्यस्त था, उस दिन जहांगीर साहब का शूट था नहीं, और काफ़ी क्राउड था, काफ़ी एनिमल्स थे, और मैं शूटिंग में काफ़ी बिजी था। तो कुछ लोग आकर के मेरे पास आए कि एक आदमी जो है कुछ पागल सा हो गया है, जैसे एक और टेंशन हो गया, एक तो एनिमल्स है, ये है, वो है, हज़ार टेंशन है उसके बीच में कि आपका शूटिंग का आदमी वो पागल सा हो गया है, कौन है, क्या है। फिर मैं जा कर के देखा थोड़ा सा, तो मैं देखा तो वहाँ पर जहांगीर भाई साहब जो है 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, और वहाँ पे रेत के अंदर लेटे हुए हैं। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो इधर, तो बोला कि मैं यहाँ पर, उन्होंने एक टर्म दिया था कि यहाँ पे हीट के अंदर वो मेडिटेशंस कर रहे थे। तो उस वक्त तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि क्या, क्योंकि मैं डिटेल में बात नहीं कर पाया। फिर मैं शाम के वक्त जब हम लोग पैकअप के बाद जब मैं हम लोग यूनिट के साथ जब हम जा रहे थे, तब उन्होंने मेरे को मैंने उनको पूछा कि ये जो दोपहर को जो माजरा था वो क्या था। तब उन्होंने मेरे को सुपर ह्यूमन बींग्स का एक सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसे होता है, और हम लोग जो है आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसको डिटेल में जानना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि जब भी जहांगीर भाई सेट पर आते थे तो मतलब हमसे ज़्यादा एनर्जीज उनके अंदर होती थी, क्योंकि कायदे से तो क्योंकि हम डायरेक्टर हैं तो हमारी एनर्जीज इनके इनसे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हमको ऐसा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि ये कैसे ये बंदा जो है, मतलब हम भी उतने ही घंटे सो रहे हैं, हम भी उतने ही घंटे जाग रहे हैं, फिल्म के अंदर मेरा भी इन्वॉल्वमेंट एज ए डायरेक्टर उनसे भी ज़्यादा है, तो वाई आई एम नॉट एज मच एज एनर्जेटिक एज जहांगीर इज। तो मैं पूछा यार क्या करते हो, क्या दवा खाते हो तुम। तो लकीली जिस गाड़ी में हम लोग मॉर्निंग शूट के लिए ट्रैवल करते थे, जहांगीर भाई साहब भी उसी गाड़ी में आते थे हमारे साथ। तब उन्होंने बताया कि मैं राम 2 घंटे भी सो करके दो घंटे भी सो करके मैं फ्रेश रह जाता हूँ। मैंने बोला वो कैसे करते हो, बोला कि आप मन के अंदर सोच लो कि भाई मेरे को यही करना है, ऐसा ही करना है, ये मेरा जीवन है और मुझे ऐसे जीना है। फिर हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करते गए, और मैं भी जब शूटिंग्स चलती रहती थी तो थोड़ा बहुत ऐसा लेता था कि चलो यार कोई आदमी जो इतना एनर्जेटिक कैसे हो सकता है, मतलब अगर मैं अगर सिर्फ 2 या 3 घंटे सोऊं और मैं इस एनर्जी के साथ काम करूं तो मुझे लगता है मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। द स्काई इज लिमिट इफ इट इज इट। सो मेन थिंग इज व्हाट यू वांटेड टू ट्राई, व्हाट यू वाज ट्राइंग टू से इज टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। सबसे बड़ा आई थिंक हम मनुष्यों के साथ यही होता है कि हम खुद के ऊपर अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के कंट्रोल में रह सकते हैं, फलां को हम बॉस बना सकते हैं इसको। हाय, माय नेम इज साजिदा खान और मैं अभी सुपर ह्यूमन से जुड़ी हूँ। इसके बारे में काफ़ी सुना है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं मेंबर हैं बहुत अच्छे, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी ये ज्वाइन किया है। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें उतना ही से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो,
और दूसरे मैं आज 15 अगस्त है इसके मौके पर हम सब लोग इकट्ठे हुए, तो मैं आज 17वां साल मतलब शुरू हो गया है, ख़त्म होने जा रहा है मतलब, और आगे भी इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। और ये हमारे जो सुपर ह्यूमन ग्रुप है ये जहांगीर जी की बदौलत है, उनकी इनायत है कि उसकी वजह से हम लोग सब जुड़े हैं, एक से एक हुआ है। तो मैं मेरे ख्याल से 2-3 साल से हूँ इस ग्रुप में। तो सुपर ह्यूमन का मकसद कोई पॉलिटिक्स वाली चीज़ नहीं है, ये हर धर्म को जोड़ने की चीज़ें हैं। इसमें जहांगीर जी ने बहुत हिम्मत और कुव्वत दिखाई और सब लोग इसमें जमा हुए, एक से एक हुए। तो कहते हैं कि 101 होता है तो 11 बनते हैं, तो मेरे ख्याल से 11 से ज़्यादा हैं हम लोग। और दूसरे सुपर ह्यूमन का मकसद ये है कि अपने आप को सुपर समझना, यानी किसी से ऊपर बनो अपने आप में, और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करो, जो हम में पॉजिटिविटी है वो लेके आओ। और यही सब जोड़े हैं, तो इसमें ना कोई मज़हब है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है, जितने भी मज़हब के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो कलाकार हैं, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो कोई भी वर्ग का है इंसान, वो आता है सुपर ह्यूमन में और वो जुड़ जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखें, जहांगीर जी को ग्रुप को, और सब जुड़े। तो और मैंने सुना भी है कि हिंदुस्तान में तो ये सुपर ह्यूमन फैल ही रहा है, जहांगीर जी का ये जो मैसेज है वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बाहर भी है, इस्लामिक देश है जो अरब में, ईरान है, और भी जो भी कंट्री है वहाँ भी ये मैं फैल रहा है कि हमें सुपर ह्यूमन कैसे बनना। तो भाइयों बहनों, और थैंक्स टू सुपर ह्यूमन माय ब्यूटीफुल ग्रुप, जहांगीर साहब जो है बहुत अलग हटकर मेहनत कर रहे हैं ग्रुप के लिए, और माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत एनर्जेटिक है। हम लोग सब सुपर पावर हैं, सुपर ह्यूमन है, यही ये ग्रुप बताता है। इस ग्रुप में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है, इसमें सब पॉजिटिव है। ना किसी नेता के लिए बारे में बुराई करते हैं, ना किसी के धर्म के बारे में बुराई करते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं और सब बहुत अच्छा सोचते हैं। सारे धर्म एक हैं, सब मज़हब एक हैं। वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, सबसे बड़ी पावर ये है सुपर ह्यूमन की कि वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, वी रिस्पेक्ट ऑल द पीपल। और सबसे ज़्यादा प्यार करना है तो अपने से प्यार करें जी। और जैसे कि अभी सुपर ह्यूमन बीइंग ह्यूमन जैसे और कहा गया कि किसी ने टॉपिक किया था कुछ नहीं, बीइंग ह्यूमन से इसका कुछ लेना देना नहीं। बीइंग ह्यूमन अलग ग्रुप है, वो भी एक इंसानियत के फैला रहे हैं, वो भी इंसानियत फैला रहे हैं। ये सुपर ह्यूमन है, ये भी इंसानियत फैला रहे हैं। बीइंग ह्यूमन भी इंसान, वो भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। ये क्या है, एकदम से पॉजिटिव है और अपने आप में, अपने आप को बहुत नेगेटिविटी से दूर करने वाला ग्रुप है और अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भरने वाला ग्रुप है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है। हम सिर्फ, हमारी कोशिश ये है कि हमारे अंदर जो चीज़ है, हमारे अंदर जो सुपर पावर है, वो सबके अंदर होनी चाहिए। कब से आप ये सुपर ह्यूमंस में जुड़े हुए हैं? हम तो फाउंडर मेंबर हैं, हम तो जब से कंपनी शुरू हुई, जब से लगे हुए हैं, जब से जहांगीर साहब ने स्टार्ट किया है। इसको लेके आपके दिन में क्या चाहिए आगे तक के लिए? बस इसके लिए यही दुआएं हैं ग्रुप के लिए कि अल्लाह ताला हमारे ग्रुप को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाए और जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम माशाल्लाह इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और हम लोग, मैंने बहुत फिल्में की हैं, अभी मैंने एलिफ की थी अक्षय कुमार के साथ, उसमें गाना था दिलजीत तुझे दे दी, वो की थी। एक अभी गोविंदा के साथ कर रहा हूँ, उसमें मैं मेन विलन हूँ। एक मैं अभी एक गोविंदा की जो फिल्म है उसका नाम है मुझे भगवान के लिए छोड़, ये फिल्म का नाम। उसके अलावा मैंने, आप विलन का रोल कर रहे हैं उसमें, मैं मेन विलन कर रहा हूँ। हीरो कौन है उसमें? गोविंदा है, गोविंदा जी हैं। अगेंस्ट में तो फिर बहुत सारे न्यू लोग हैं, कमाल मलिक हैं जी। उसके अलावा मैं बहुत सारे सीरियल कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, और अभी मेरा आजकल स्टार प्लस एक शो चल रहा है जो बड़ा पॉपुलर है, इशकबाज, जिसमें आई एम प्लेइंग ए पुलिस कमिश्नर। वो पिछले 3-4 महीने से मैं शूट कर रहा हूँ, वो है माशाल्लाह। और भी शोज़ हैं, 2-3 फिल्में और हैं, अभी एक फिल्म की और शूटिंग चालू है। तो ये तो हमारा काम है, तो चलता रहा है। सुपर ह्यूमन भी बहुत अच्छी फिल्मों के साथ आ रहा है। सुपर ह्यूमन इज़ गोइंग टू लॉन्च ए वेरी बिग फिल्म जो आप लोगों को सबको इंशाल्लाह बहुत जल्दी न्यूज़ मिलेगी और बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। जहांगीर भाई के बारे में और क्या कहना चाहते हैं? जहांगीर भाई बेहतरीन इंसान है, हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, बेहतरीन सुपर ह्यूमन है। और सबसे बड़ी बात ये कि दिस मैन इज़ सो मच ऑफ फुल ऑफ सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इनसे जो मिलता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है और जो उनसे मिलता है वो उनसे पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिवनेस ये फैलाते रहते हैं, इस ग्रुप की सबसे अच्छी खासियत ये है।
बस 15 अगस्त के मौके पर सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब लोग खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सुपर ह्यूमन की तरफ से 15 अगस्त के, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सुपर ह्यूमन हमें ये सिखाता है कि ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब इंडियन हैं, भारतीय है। तो जब हम गॉड जो इस सृष्टि इतना खूबसूरत बनाया है, तो अगर हम कुछ भी बोलते हैं, मतलब जिस तरह आप अपने आप से प्यार करते हो उसी तरह आप दुश्मन से भी प्यार करो। सुपरह्यूमन हमें यही सब सिखाता है, आप हमेशा पॉजिटिव रहो, दूसरों का भलाई के बारे में सोचो, जहाँ तक हो सके आप अच्छा काम करो लोगों के लिए। और कितना अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, और क्या क्या चेंजेस आया है आप कब से इसमें सुपर ह्यूमन में ज्वाइन किए? मतलब मैं 2.5 साल से इसमें हूँ, तो मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं इसमें। अगर मैं कभी कभी नेगेटिव अगर फील करती तो जहांगीर सर मैं फ़ोन करती, सर ऐसे ऐसे ये हुआ है, तो सर मुझे बताते हैं कि मतलब पॉजिटिव रहा करो, कैसे पॉजिटिव रहना है वो मुझे सिखाते हैं। तो मतलब सुपर ह्यूमन हमेशा यही बताता है कि आप पॉजिटिव खुद भी रहो और दूसरों को भी पॉजिटिव करना सिखाओ। जंजीर सर से हम पिछले एक साल से जुड़े हुए हैं। जब रोजे चल रहे थे तो रोज़ शाम की इफ्तारी उन्हीं के साथ होती थी, तो इंतज़ार करते थे कि सब लोग आएँ, जितने लोग होते थे उनके साथ जुड़े होते थे, सब जब तक सब नहीं आते थे वो शुरू नहीं करते थे, खाते नहीं थे, पर अगर हम नहीं कहते तो भी कहते आपका हिस्सा एक अलग रखा हुआ है और आप आके खाइएगा। तो बहुत नेकदिल इंसान है और उन्हें ग्रुप शुरू करा, ये ऐसा ग्रुप है कि मतलब सबको एक यूनिट में बांध के रखा है कि एक दूसरे के बारे में भी सोचो, अपना तो हम सोचते हैं साथ में, जब तक हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते तब तक हम अपने बारे में हो नहीं सकता है। तो इसीलिए ये जो उन्होंने ग्रुप शुरू करा, मैं ऊपर वाले से यही दरख्वास्त करूँगी ये ग्रुप बहुत आगे बढ़े और एक दूसरे को ऐसे जोड़ के चलो कि वो फेविकोल भी मजबूत जोड़ बने और एक घेरे में बनकर पूरी। मेरा नाम रोशनी क्रियाडो है, मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे इसमें शामिल किया गया है। इंशाल्लाह मैं सोचती हूँ कि भी कुछ अच्छा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि आज का दिन एक बहुत बहुत ही अच्छा दिन है, बस ये माथे की इंडिया, I love my India, I love my India, I will always live, love my India. तो इसके अलावा मैंने एक इंग्लिश फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं शॉर्ट फिल्म के लिए, और बस ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं नई हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जैसे कि अभी आप नई हो, तो अभी आप आगे किसी को इसके बारे में इंकरेज करते हो? मैंने जी 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 हाँ, क्यों नहीं, ऑफकोर्स। और मेरा जो स्वभाव है हमेशा कि किसी के लिए अच्छा करना, यदि एनीवे आई वुड से लेट दिस ऑल बी यूनाइटेड, बाइंड अस टुगेदर, लॉर्ड बाइंड अस टुगेदर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू ऑल एंड